जय हिंद वंदे मातरम मित्रों, क्या हाल कैसे हो, स्वागत है आपको हमारे इस न्यूज ब्लॉग में। तो अभी रात हो चुकी है और रात में राइड करने का अपना ही मजा है मित्रों। और वाइजर मैंने बंद कर दिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही बाहर का साउंड आएगा, तो इसे अवॉइड करने के लिए मैंने वाइजर बंद किया है। तो और अभी हम हैं आर ब्लॉक से निकले हैं, अपने घर की ओर जा रहे हैं। और क्या बोले, बस नाइट बहुत खूबसूरत है। और यार इस समय काम करके आने का मज़ा ही कुछ आ रहा है। अभी 10:30 होने जा रहा है और भाई मतलब आई लव माई वर्क, मज़ा आता है काफ़ी। खैर ये सब रही बातें, और दिन बहुत ही अच्छा रहा, ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। हाँ था थोड़ा सा, तो पुले पुल ले लिए जाए बेटर रहेगा। आगे आगे अंत में टैक्सी मिलना है, पूरे पूल लिए जाए। तो यही है हमारा आज का डेवलपमेंट का कहानी, कुछ होगी शुरुआत देखा जाएगा। तो अभी हम हैं 10:27 हुआ है अभी, तो अगर मेरे को जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। अभी मैंने मैप में इंडिया कुछ नहीं लगा रखा है अभी, क्योंकि मैंने अभी जुगाड़ जो सेट किया था ना, वो भी मैंने मेरे माइंड में है, वो डिज़ाइन को ही मैंने ये नहीं किया है, फुलफिल नहीं किया है। जैसे वो डिज़ाइन फुलफिल हो जाएगा अगर कुछ काम करेंगे। मैं बहुत हवा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, ठंडी नहीं है। तो मैं वाइजर ऑन नहीं करूँगा, जैसे ही वाइजर ऑफ किया वाइजर हटाऊँगा तो खिला हो जाएगा दिक्कत, और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इसीलिए। और ये पुल बढ़िया था, इसमें मैं 100 चाहूँ तो 100 कर सकता हूँ, बट अभी करूँगा नहीं। मैं थोड़ा कंट्रोल में गाड़ी चलाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, और जब इतनी खाली रोड मिले तो भाई हेलना कोई भी चाहेगा, और मेरे जैसे बंदों को और हेल लेगा। अभी हम जिस पुल के ऊपर है, ये पुल पहले बन रहा था, बहुत ज़बरदस्त बनते बनते इतना बना है, डेवलपमेंट इसी को कहते हैं दोस्तों। ट्रिपलिंग में 3 बार बन रहा था, चलो ठीक है, इतना मार्जिनल ग्रेस देना चाहिए। पटना में 70-80 एनफ है और गुड राइडर, और मैं तो सारा पता नहीं सबसे गाड़ी चला रहा हूँ, प्रो राइडर तो नहीं हो सकता, पता हो कि हाँ अच्छा खासा बस थोड़ा सा समतल रूट चाहिए, तो ये ओवर पावर नहीं, लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत सही है। ये बाइक भी एक नंबर है भाई, एक नंबर बाइक है मेरी बाइक में, मुझे आज तक भी बहुत कभी निराश नहीं किया भाई, इस बाइक में मुझे कभी निराश नहीं किया, नेवर। और रात का भाई राइड किया मज़ा ही कुछ, बस अपने आँखें खोल के चलो राइड नापना। और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है दोस्तों, सबका। आई होप आप लोग का बढ़ा होगा, नहीं बढ़ा तो क्या करो, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा अपने आप को पुश करो, किसी चीज़ को पाने के लिए अपने आप को हार्ड वर्क के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है दोस्तों। तो अगर तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो यार कोई फायदा नहीं, नो बेनिफिट्स। और इंडिकेटर देते हुए काटो तो बहुत स्मूथ करता है, स्मूथ समझे, इंडिकेटर देते काटो बहुत स्मूथ कटेगा, बहुत ज़्यादा। तो रोड तो पूरा खाली है, जाम तो रहना नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं, आई होप कि जाम ना हो। नीचे से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वापस गंगा घूम जाना पड़ेगा, जो थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, जाम नहीं पड़ता है। ये भी रोड पूरा खाली है क्योंकि अभी 10 बज रहा है, तो 10:30 हो रहा है, तो भाई 10:30 में कौन गएगा ब्रो, 7 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ आठ बजे, स्कूल पहुँच 7 मिनट में। 27 में स्टार्ट किया था मैंने, टाइम देखा था, अभी 21 हो रहा हूँ। और यही मैं अगर मैप में यूज़ कर रहा था तो वो मुझे एवरेज स्पीड बताया था, वहाँ पहुँचने का मेरी एवरेज स्पीड क्या रही है और मैंने कितने टाइम में कवर किया। और ये देखो दोस्तों, ये बहुत सही है, ये धूल मिट्टी से बचने के लिए है, तो ऐसा फुहारा वहारा चलते रहता है, तो इसका भी कुछ कनेक्शन है आई थिंक, पता नहीं क्या होता था, गर्मी बहुत इसी वजह से चल रहा हो, जो भी है अपने को उतना समझ में नहीं आता है, ऐसा अपने को मज़ा आता है, इसके बीच आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लगता है।
तो अभी मैंने ग्लासेस आज भी नहीं पहना है, ये इतना मन कर रहा था ग्लास पहनने का। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा जो मैं लेबर ग्लास यूज़ करता हूँ, सारे लेबर अलग से ग्लास को यूज़ करें, क्योंकि लेबर ग्लास अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो काटी लग सकती है, कुछ छिला सकता है, बहुत हो सकता है, स्किन डिजीज बहुत जल्दी होती है किसी भी लेबर को, इसके लिए है वो लेबर ग्लास। थोड़ा सा आपको बचाएगी, हाँ 100% नहीं बचाएगी, बट हाँ थोड़ा सा कटना छटना से बचा देगी, तो आप उसको यूज़ करें और अपना सेफ रखें। तो सारे लेबर्स को मेरी एडवाइस रहेगी। यहाँ से राइट लोगे तो तुम चल जाओ कंकर बाग की हो, और सीधे जाओगे तो सीधा तुम जाओगे रविंद्रनाथ टर्मिनल, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। और बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं यहाँ से, रात में 9 बजे के बाद में एंट्री खुल जाती है। ये जो भाई अभी जो है ना, अभी जाम नहीं मिलेगा पटना में, तो कहीं भी घूम जाओ अभी जाम तो बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर निकले से वाले जाम है। लेकिन वही तुम अगर यहाँ चले जाओ आगे भी निकलो टाइम पे, तो कुत्ते वाला जाम है, कुत्ते वाला, यहाँ तो बस टाइम ही जाम है, ये ऑटो वाले के चक्कर जाम है मुझे पता है। और बगल में मेट्रो काम चल रहा है, ये हमारा फ्लैग पोस्ट जय हिंद वंदे मातरम वाला, हमारा देश का तिरंगा, भारतीय तिरंगा। मैंने से बहुत जगह बहुत बार मैंने से भारतीय तिरंगा लगाया था, वो बार बार गिर जाता है, और मेरे को फिर एक भारतीय तिरंगा मिला है। देखो अगर मैं इसको साफ करके जरूर लगाऊंगा, इसको मैं लगाऊंगा जरूर, क्योंकि अगर तुमने भारतीय तिरंगा नहीं लगाया तो क्या लगाया। हर किसी को तिरंगा लगाना चाहिए एज अ रिस्पेक्ट। मैं तो अपने हेलमेट में स्टिकर लगा रखा है, तो कभी किसी दिन दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिलेगा तो। ये हमारा राजनगर टर्मिनल है, यहाँ से मैं यहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं जहाँ जहाँ जाने के लिए। तो आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, क्योंकि आज कास्टिंग थी, और कास्टिंग कराते कराते थोड़ा सा होगा ना लेट हो गया, डिले हो गया एंड ऑल दैट, तो इसकी वजह से। और ये हमारा बिल्डिंग देखता था, मेरे को दिल खुश कर देता है, मज़ा आता है ये देखते। और अभी साफ सफाई चल रही है, ये लगता है पानी खत्म हो गया। ट्रैक्टर आता है ना थोड़ा सा ना बर्न रोड भी बढ़ जाती है, तो जाम लगने का संभावना ज़्यादा होता है, ट्रैक्टर से बचता है ना। वी हैव बाइक, वी हैव कार, तो हम लोग अपने एक्सीलरेटर के दावा पे मार सकते हैं, हम पे लेकिन ये लोग नहीं आ पाएंगे ट्रैक्टर वाले लोग, तो आगे भी देखना पड़ता है। जैसे भी नहीं कर सकती प्रॉब्लम, चक्का वाला प्रॉब्लम। ये बड़ा बड़ा हाइड्रा होता है, हाइड्रा हाइड्रा जो है बड़ी बड़ी क्रेन होती है, हाइड्रा इसको बोला जाता है। ये बहुत चीज हेवी चीज लिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है, तो अगर ये आपको शहर में चल रहा है ना, तो मुझे अपने शहर में बहुत हेवी का काम होता है। और भाई कंस्ट्रक्शन काम रात में ज़्यादा होता है, तो जितने लेबर फोर्स है तो उन्होंने रात में ज़्यादा काम करना पड़ता है। दिन में होता है, दिन में बिल्डिंग से काम होता है, रात में लेकिन रोडवेज का काम उसी रात में होता है, और बड़े बड़े फेमसी प्रोजेक्ट होते हैं वो जनरली रात में खींचते हैं, डे एंड नाइट। तो दोस्तों यही है हमारा आज का दिन का समरी, दिन भर मैंने क्या काम किया, काम में बहुत मन लगता है इसलिए काम किया। लव यू वर्क ब्रो। ये मेट्रो काम बन रहा है गाइस, यहाँ मेट्रो ही बहुत पटना आने वाली है, डेवलपमेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।